ये तीन ऐसे कानून आए हैं, तीन कवानीन आए हैं, एक तो पीएमएलए को लेकर, दो और जजमेंट आए हैं जिनकी वजह से जिन लोगों ने केस दर्ज किया उन्हीं पर जो है प्रोसिक्यूशन ने धावा बोल दिया और कोर्ट ने भी, तो इसके खिलाफ आज बातें की हम लोगों ने, और ये हमारा मानना है कि ये तीनों जजमेंट जो है उनको वापस लेना चाहिए और ये शायद जल्दी होगा। ये अच्छी बात है, ये सुप्रीम कोर्ट तक जाना नहीं चाहिए था। बेल जो है सुप्रीम कोर्ट ने ही हमें कहा है बहुत दफा के बेल इज द नॉर्म, जेल इज द एक्सेप्शन। तो ये बोलने के अलावा ये करना भी चाहिए। बहुत ऐसे कम जमहूरियत है जहां पर बेल के लिए, ऑर्डिनरी बेल के लिए एक शख्स को सुप्रीम कोर्ट तक जाना पड़े, तो ये होना नहीं चाहिए। मैं तो बहुत खुश हूँ कि पिता जी को बेल मिला है, ये सबके लिए होना चाहिए। जेल जो है एकदम ही एक्सेप्शनल चीज होनी चाहिए, और ये नहीं ऐसा देश में माहौल हो कि लोगों को सालों तक जेल में बंद रखा जाए बगैर कन्विक्शन के, वो लोग प्री ट्रायल डिटेंशन में हो, यूएपीए हो और भी चीजें हो, ये ठीक बात नहीं, बिल्कुल ही सही नहीं है। बहुत से ऐसे कानून हैं भारत में जो नहीं होने चाहिए, जैसा कि कश्मीर में पीएसए है जिसके तहत लोगों को जेल में डाला जाता है बगैर कोई गुनाह हुए, जिसको कहते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव डिटेंशन। ऐसे कानून होने नहीं चाहिए भारत में, पर है, इनके खिलाफ हमको लड़ना है। ये कोई नई बात नहीं है, ये मैं मानता हूं कि बीजेपी के आने से पहले भी ये होता था बहुत दफा। इमरजेंसी जो है 75 से लेकर 77 तक, वो तब तो भाजपा नहीं थी, लेकिन ये भी मेरा मानना है कि 2014 पे के बाद ये चीज बढ़ गई है कि जो लोग एक्टिविज्म एक्टिविस्ट हैं, जो गुट हैं, संगठन हैं, जो लोग बोलते हैं उनके खिलाफ क्रिमिनल लॉ जो है उसका इस्तेमाल किया जा रहा है और मिसयूज किया जा रहा है, और ये बिल्कुल ही बंद होना चाहिए। नहीं, ऐसे ही वक्त पे एक्टिविज्म जो है काम आता है देश के, और मेरा ये मानना है कि मैंने अपने सालों में नहीं देखा कि इतने सारे लोग इकट्ठा हों ऐसे मसाइल पर जैसा कि आज हो रहे हैं, और ये बड़ी अच्छी बात है। सरकार का दबाव है और शायद जारी भी रहेगा, हमको इससे ना तो डरना है ना तो हमें अपना हौसला खोना है। आकार पटेल। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि खबरें आप तक बरवक्त पहुंच सकें। मजीद अपडेट्स के लिए आप व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है।